लगातार खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल एमपी न्यूज टीवी और हाँ, बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें। नमस्कार, एमपी न्यूज पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं निधि। मध्य प्रदेश के ताज़ा हालातों पर नज़र डाली जाए तो फिलहाल पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस चर्चा का विषय बनी हुई है। आइए इसी बारे में बात करते हैं हमारे संवाददाता संदीप जी से। जी संदीप जी, बताएं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर क्या कुछ जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल निधि, देखिए कि मध्य प्रदेश में जो पिछले 3 दिनों से जो सियासी ड्रामा चल रहा था, उसके बाद में जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के खिलाफ जिस तरीके से कमलनाथ सरकार के वन मंत्री उमंग सिंघार ने दहाड़ लगाई थी और जिस तरीके से वो लगातार उन पर आरोप लगा रहे थे और जुबानी हमले कर रहे थे, उसके बाद सबको इंतज़ार था पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के बयानों का। और आखिरकार वो घड़ी भी आ गई है जब दिग्विजय सिंह ने अपने बंगले पर मीडिया से चर्चा की और मीडिया के तमाम सवालों का बेबाकी के साथ जवाब दिया। साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से मीडिया ने उम्मीद की थी कि जो सियासी संग्राम कांग्रेस में चल रहा था उसको लेकर दिग्विजय सिंह कोई तल्खी दिखाएंगे या फिर कोई बयान देंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उनकी जो प्रेस वार्ता शुरू हुई निधि, वो यहाँ से शुरू हुई। जिस तरीके से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को लेकर, उन्होंने आईएसआई और बजरंग दल को लेकर जो उन्होंने टेरर फंडिंग की जो बात कही थी, जो बयान दिया था, उसी को लेकर उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू की और उन्होंने कहा कि मेरी जो लड़ाई है वो भारतीय जनता पार्टी से राजनीतिक लड़ाई है। और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा है कि जो बीजेपी के नेताओं की जो बयानबाजी आ रही है वो कहीं ना कहीं जो कमलनाथ सरकार में घोटाले, जो तमाम घोटाले की जांच चल रही है उसको लेकर बयानबाजी सामने आई है। और उन्होंने अपनी बेबाकी दिखाते हुए भारतीय जनता पार्टी को भी निशाने पर लिया। साथ ही साथ जो कांग्रेस में कलह चल रही है उस पर सीधे तौर पर तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि ये जो पूरा मामला है उस पर जो बयानबाजी हो रही है, तो कोई भी व्यक्ति हो अनुशासन में होना चाहिए और अगर कोई अनुशासनहीनता करता है तो उस पर कार्रवाई करना चाहिए। तो साफ तौर पर जो तमाम मुद्दे मध्य प्रदेश में पिछले 3 दिनों से उठ रहे थे, चाहे वो ज्योतिराय सिंधिया के प्रदेश अध्यक्ष बनने की बात हो या उनके पोस्टर पॉलिटिक्स की बात हो या फिर सिंघार की बयानबाजी हो या फिर उनके आरोपों की बात हो, तमाम मसलों पर दिग्विजय सिंह ने निधि न सिर्फ बेवाकी दिखाई बल्कि बड़ी ही चतुराई और सूझबूझ के साथ मीडिया के तमाम सवालों के जवाब भी दिए। जी संदीप जी, सुनने में ये भी आया है कि दिग्विजय सिंह का कहना है कि मुझ पर सियासी हमले किए गए हैं और दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा है कि मैंने पूरा मामला कमलनाथ और सोनिया गांधी पर छोड़ दिया है। तो अगर दोनों बातों पर गौर किया जाए तो इसके क्या सियासी मायने निकल कर आते हैं? जी निधि, अगर देखा जाए तो दिग्विजय सिंह की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को अगर हम देखें, उस पर नजर डालें, तो यहाँ से 2 पॉइंट निकलते हैं। पहला पॉइंट तो यह है कि दिग्विजय सिंह ने कहा है कि पार्टी में कोई भी व्यक्ति हो उसे अनुशासन का पालन करना चाहिए। जी बिल्कुल। दूसरा पॉइंट ये निकल कर आया है कि कितना भी बड़ा कोई भी नेता क्यों ना हो, चाहे वो किसी भी पद पर क्यों ना हो, लेकिन अगर अनुशासनहीनता करता है तो उस पर कार्रवाई होना चाहिए। और जिस तरीके से उन्होंने सियासी हमले की बात कही है, तो जो उन्होंने आईएसआई और बजरंग दल को लेकर जो बयानबाजी की और जिस तरीके से उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने बयानों के बम चलाना शुरू किए हैं और खुद उसके बाद कमलनाथ सरकार के मंत्री उमंग सिंघार भी उन पर अवैध शराब और रेत खनन का आरोप लगाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की पीड़ा छलकी है। उन्होंने कहा है कि उन पर कई सियासी हमले हुए हैं, तो जिस तरीके से पिछले 3-4 दिनों से ये सियासी घटनाक्रम चल रहा है उसको लेकर उन्होंने अपनी पीड़ा जताई है। लेकिन साफ तौर पर यहाँ पर दिग्विजय सिंह ने निधि ये इशारा भी कर दिया है कि चाहे वो कितना भी बड़ा नेता क्यों ना हो उस पर कार्रवाई करना जरूरी है। और साथ ही साथ जिस तरीके से उन्होंने बात कही है कि ये पूरा जो मसला है, जिस तरीके से उन पर आरोप लगाए गए हैं, ये पूरा मसला उन्होंने कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ और राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी पर छोड़ दिया, यानी कि उनका इस कहना है कि ये जो भी बयानबाजी हुई है, जो पूरा प्रकरण है, उस पर फैसला कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश के मुखिया सीएम कमलनाथ करेंगे। यानी कि उन्होंने यहाँ पर इशारों में ये बात तो कह दी है कि चाहे कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, नेता क्यों ना हो, उस पर पार्टी में कार्रवाई होना चाहिए। तो लाजमी है दिग्विजय सिंह के इस बयानों के बाद ये साफ संकेत मिलते हैं निधि कि उमंग सिंघार ने जो बयानबाजी की है, जो उन पर आरोप लगाए, उसके बाद उमंग सिंघार बुरी तरीके से फंस सकते हैं और पार्टी की जो अनुशासन समिति है
उन पर कोई बड़ी कार्यवाही कर सकते हैं। और माना यह भी जा रहा है, जो हमारे पास इनपुट्स आए नहीं थी कि सीएम कमलनाथ जो है मंत्री उमंग सिंगार के मंत्री पद से छुट्टी भी कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह कांग्रेस के सियासी चाणक्य कहलाए जाते हैं, और वो अपनी जो सियासी चाल है और जो 15 सालों का संघर्ष है उसकी बदौलत ही मध्य प्रदेश में कांग्रेस का वनवास खत्म हो। और ऐसे में जिस तरीके से उमंग सिंघार ने दिग्विजय सिंह पर आरोप लगाया, बेहद ही गंभीर आरोप है, और भारतीय जनता पार्टी को इन आरोपों ने बोलने का मौका दिया। और ऐसे में माना जा रहा है कि जो कांग्रेस का आलाकमान है, राजधानी दिल्ली में जो बैठी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी है और मध्य प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष हैं कमलनाथ, वो मंत्री उमंग सिंघार पर कोई बड़ी कार्रवाई कर सकते हैं। जी बिल्कुल, तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्गज नेता दिग्विजय से खुद चिंतित नजर आए, और साथ ही साथ उन्हें पार्टी में अनुशासन की भी दरकार है। संदीप जी, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एमपी न्यूज पर खबरों का दौर लगातार जारी है। लगातार खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल एमपी न्यूज टीवी, और हाँ, बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।